जितनी जल्दी बदल जाओ उतना अच्छा, बूढ़ा आदमी। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक आदमी की, वह मरण रहस्य पर पड़ा है। गीता सुनाई जा रही है, वह बेहोश है और बीच बीच में सिर हिलाता है, हाथ ऊपर उठाता है। पास में पड़ोस की स्त्रियां बैठी हैं, कोई कहती है कि देखो काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, शायद भगवान की तरफ उठ रहे हैं। आखिर एक आदमी बैठा थोड़ी देर देख रहा था, उसने कहा बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ। काका को उसने खीसे से बीड़ी निकाली और काका के मुंह में लगा दी और काका मरते वक्त बीड़ी पीने लगे। इधर गीता चल रही है और दो तीन उन्होंने कस लिए, धुआं मुंह से निकला, फिर शांति से मर गए। जिंदगी भर जो लत रही, उस आदमी ने कहा कि बकवास बंद करो या भगवान वगैरह की तरह हाथ नहीं उठा रहे हैं, इनको बीड़ी चाहिए। मुझे भली भांति मालूम है बिना बीड़ी पिए नहीं मरेंगे। और जब उन्होंने दो तीन कस लगा लिए, वह उनका राम नाम हुआ, हरि भजन हो गया, तब से शांति से मरे। मरते वक्त वक्त भी तुम्हें हरि को याद थोड़े ही कर पाओगे, याद भी आएगी तो बीड़ी की याद आएगी कि कोई ले आता इस वक्त की होता, कोई प्रभु का प्यारा और ले आता इस वक्त। अब अपने से तो जाते बनता नहीं, बोल भी खो गया, बोल भी नहीं सकते हो। और गीता चल रही, सर्वधर्मान परिजनों समेक शरण व्रत, गीता चल रही और स्वभावत गीता चल रही। पड़ोसी की स्त्री, धार्मिक स्त्री ऐसी जगह इकट्ठी हो जाती है और काका हाथ उठा रहे हैं। सोचा होगा कि काका भी आखिरी अवस्था में वृद्धावस्था को पहुंच गए हैं, काका वही हैं जहां सदा थे। गीता बगैर नहीं सुनी जा रही है, उनको तरफ लगी है। आदमी बदल जाए जवानी में जब ऊर्जा हो, जब शक्ति हो, जब प्राण हो, तो आसानी होती है, क्योंकि बदलाव के लिए भी तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जितनी जल्दी बदल जाओ उतना अच्छा सो।